बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डिविडेंड पेआउट्स की जो कंपनीज की सीरीज है उसकी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड, उस पर बात करेंगे। उसकी जो 10 ईयर्स की पेआउट हिस्ट्री है वो देखेंगे, प्राइस जो है वो इन 10 ईयर्स में क्या रही है वो चेक करेंगे, इन 10 सालों में कंपनीज की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसकी ईपीएस, बुक वैल्यू और पी रेशो वगैरह चेक करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड जो है वो 26 अप्रैल 1994 को एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत। बेसिकली ये पावर प्रोड्यूसर है, लाहौर में जो है वो इनका पावर प्लांट है जिसको ये ऑपरेट करते हैं और उससे जो ये बिजली बनाते हैं वो वापटा को पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत जो है वो देते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल की अगर इसकी बात करें तो 1.7 बिलियन रुपीस का इनका ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसमें से 1.69 बिलियन जो है वो पेड अप हो चुका है। टोटल जो इसके इशूड शेयर हुए हैं वो तकरीबन 169 मिलियन के जो इसके शेयर्स हैं, उसका 40% जो है वो इसका फ्री फ्लोट अवेलेबल है, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसके 67 मिलियन के जो शेयर्स हैं वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। पार वैल्यू जो इसकी है वो 10 रुपए है। एक्सचेंज में जो है ये KOHE के सैंपल के साथ रजिस्टर्ड है, KSE आल इंडेक्स का ये पार्ट है, तो चूंकि ये मीजान के इंडेक्स का पार्ट नहीं है तो ये नॉन शरिया के कैटेगरी में आता है। करंटली जो है वो 34 रुपए 87 पैसे पे ये ट्रेड हो रहा है। 52 वीक इसकी प्राइस की जो रेंज है वो 23 रुपए इसकी लोएस्ट प्राइस है और 45 रुपए 30 जो है वो इसकी हाईएस्ट प्राइस है। पी रेशो की अगर बात करें तो 5.17 इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का पी रेशो बन रहा है, जबकि सेक्टर का जो पीई है वो पावर जनरेशन का वो 4.98 बन रहा है। वन वीक के लिहाज से ये 20% जो है वो डाउन साइड पे है, क्योंकि इसने अभी डिविडेंड दिया था तो ये एक्स होके ओपन हुआ था। वन मंथ के लिहाज से 4% प्लस है, 3 मंथ्स में 0.09% डाउन, 6 मंथ में 5.76, जबकि 1 ईयर में जो है वो ये 13.40% पॉजिटिव साइड पे है। फाइनेंशियल ईयर इसका जो है वो जून टू जून है। वैल्यूएशन की अगर बात करें तो ईपीएस के हवाले से 2014 में जो इसकी अर्निंग्स थी वो 6 रुपए 31 पैसे पर शेयर थी, 2015 में 4 रुपए 97 पैसे, 2016 में 4 रुपए 10, 2017 में भी 4 रुपए 75, 2018 में 4 रुपए 31 पैसे, 2019 में 3 रुपए 25 और 2020 में जो है वो 6 रुपए 12 पैसे की ईपीएस आई है। ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर ईपीएस देखें तो वो 6 रुपए 75 पैसे बन रही है। बुक वैल्यू भी देखें तो 38 रुपए 39 पैसे 2014 में थी, 37 रुपए 38 2015 में हुई, 35 रुपए 2016 में, 2017 में भी 35 रही, 2018 में 35, 2019 में जो है वो कम होके 34 रुपए आ गई और अब 2020 में जो है वो 38 रुपए इसकी बुक वैल्यू है पर शेयर। ट्रेलिंग 12 मंथ जो है वो इसकी 42 रुपए 28 पैसे बन रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर बात करें तो 2014 में ये 6 रुपए 56 पैसे पे थी, 2015 में इंक्रीज हुई 10 रुपए 16 पे आई, 2016 में भी 10 रुपए 5 पैसे इसकी पी रेशो थी, 2017 में 9 रुपए पे आई, 2018 में 9, 2019 में भी बढ़ के 11 रुपए 8 पे आ गई, जबकि करंट जो है 2020 में ये 5 रुपए 72 पे इसकी पीई है। 12 मंथ की जो है वो अगर पीई रेशो देखे तो वो 5 रुपए 4 पैसे पे। तो पे आउट हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने जो है वो डिविडेंड और बोनसेस वगैरह की क्या सूरत हाल रही है इनकी। 2010 की अगर बात करें तो इन्होंने बोनस कोई नहीं दिया, 25% का डिविडेंड दिए, देखिए 2.5 रुपए पर शेयर इसका डिविडेंड था तो 1000 शेयर्स के हिसाब से 2500 रुपए इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2011 में भी कोई बोनस नहीं था, 25% का ही डिविडेंड दिया, 2.5 रुपए पर शेयर, तो 2500 रुपए जो है वो 1000 शेयर्स के हिसाब से बनते हैं। 2012 में भी बोनस नहीं दिया, 35% का डिविडेंड दिया है, 3 रुपए 50 पैसे डिविडेंड पर शेयर बनता है, तो डिविडेंड अमाउंट बनती है वो 3500 रुपीज बनती है। 2013 में जो है वो बोनस नहीं था लेकिन डिविडेंड जो है वो इंक्रीज हुआ है, 117% का डिविडेंड दिया, यानी कि 11 रुपए 75 पैसे का डिविडेंड मिला था 2013 में, 1000 के हिसाब से ये 11750 रुपए बनते हैं। 2014 में भी बोनस नहीं था लेकिन डिविडेंड जो था वो 65% का बढ़ गया था, 6 रुपए 50 पैसे डिविडेंड पर शेयर मिला, तो 6500 रुपया जो है 1000 शेयर के हिसाब से बनते हैं। 2015 में भी बोनस नहीं था, 55% का डिविडेंड दिया, 5.5 रुपए पर शेयर, 5500 जो है वो इसके 1000 शेयर के हिसाब से बनते हैं।
2016 की बात करें तो इसमें भी कोई बोनस नहीं है, तकरीबन 52.5% का इन्होंने डिविडेंड दिया है, ₹5.25, 5,250 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2017 में भी कंपनी ने जो है वो 52.5% का ही डिविडेंड दिया है, ₹5.25 पर शेयर, बोनस कोई नहीं था, 5,250 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2018 की अगर बात करें तो इसमें भी बोनस नहीं था, 35% का डिविडेंड था, ₹3.50 पर शेयर, 3500 इसकी जो है वो डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2019 में कंपनी ने बोनस नहीं दिया लेकिन डिविडेंड जो था वो 50% कर दिया है, ₹5 पर शेयर का डिविडेंड था, 5000 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती थी 1000 शेयर के हिसाब से। 2020 में भी कंपनी ने बोनस नहीं दिया, 60% का डिविडेंड दिया है, ₹6 पर शेयर, तो 1000 शेयर के हिसाब से 6000 जो है इसकी वो डिविडेंड अमाउंट बनती है। तो टोटल जो है वो इन 10 सालों में कंपनी ने कुछ 57000 का जो है वो डिविडेंड दिया है 1000 शेयर के हिसाब से। सबसे जो ज्यादा डिविडेंड था वो 2013 में दिया है 117% का, यानी कि ₹11.75, और अब तक का इन 10 सालों में जो सबसे कम डिविडेंड है वो 2010 और 11 का है 25%, यानी कि ₹2.5 पर शेयर का डिविडेंड। तो जनवरी के में अगर इसकी प्राइस देखें तो इसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन 31-32 के अराउंड थी, तो 1000 शेयर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी वो 31,000 रुपीज़ की बनती थी। तो करंट वैल्यू भी इसकी तकरीबन ये ₹34 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो 34,000 जो है वो इसकी करंट वैल्यू बन रही है, लेकिन डिविडेंड की मद में जो है वो कंपनी ने कोई 57,000 का जो है वो रिटर्न दे चुकी है। प्राइस मूवमेंट की अगर बात करें 10 सालों में, तो 2010 में जो है वो कंपनी ने अपना जो हाई लगाया था वो तकरीबन ₹33 का लगा था, ₹18 का 2010 में लो प्राइस थी इसकी। 2011 में जो है वो ₹23 का हाई था और ₹15 का लो, 2012 में भी ₹28 का हाई लगाया है, ₹14 का जो है वो लो प्राइस थी, 2013 में ₹49 का हाई लगाया, ₹21 इसकी लोएस्ट प्राइस थी, 2014 में ₹50 का हाईएस्ट प्राइस और ₹33 का इसने लो बनाया, 2015 में भी 42 का जो है वो इसका लो लगा है और ₹52 जो है वो इसकी हाईएस्ट प्राइस थी, 2016 में फिर 47 का जो है वो हाई लगा है और 39 इसकी जो है वो लोएस्ट प्राइस थी, 2017 में 47 का हाई और 37 का लो है, 2018 की बात करें तो ₹45 का जो है वो हाईएस्ट प्राइस थी और ₹35 जो है वो इसकी लो प्राइस थी, 2019 में भी ₹44 का हाई है और ₹33 की जो है वो इसकी लो प्राइस है, 2020 में जो है वो 41 का हाई बना के इसने 23 का जो है वो लो लगाया। तो 10 सालों में अब तक की जो हाईएस्ट प्राइस है वो 2015 की है, ₹52 की है, और जो अब तक का लो लगा है वो 2012 में लगा था ₹14 का। अगर लास्ट 5 ईयर की जो एवरेज हाई प्राइस देखें तो वो इसकी ₹37 बन रही है, और इसी तरह लास्ट 5 ईयर की जो एवरेज लोएस्ट प्राइस है वो ₹27 बन रही है। वेलकम टू सॉल्यूशन फाइंडर्स यूट्यूब चैनल। आप YouTube सर्च में सॉल्यूशन फाइंडर्स लिख के जो है वो एंटर करेंगे तो आपके पास ये चैनल आ जाएगा, टॉप पे ही जो है वो सॉल्यूशन फाइंडर्स का चैनल है। इसके होम पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्लेलिस्ट्स मिलेंगी। तो अगर आपको ब्लू चिप कंपनीज के मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखनी है, तो आप इस ब्लू चिप कंपनीज के प्लेलिस्ट में आएँ और यहाँ पर जो है वो आपको तमाम कंपनीज जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा जो अपडेट होती रहेंगी साथ साथ वो भी इसी प्लेलिस्ट का पार्ट बनती जाएंगी। इनकम टैक्स के रिटर्न्स के हवाले से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अपनी रिटर्न्स खुद फाइल करनी है, तो टैक्सेशन वाली प्लेलिस्ट पे आएँ और यहाँ पे आपको टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको लेटेस्ट डिविडेंड बोनस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये डिविडेंड्स पे आउट्स कैलेंडर की जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे आपको मंथ वाइज भी जो है वो सारी अपडेट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मार्केट समरी में आपको डेली जो है वो मार्केट की समरी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। कंपनी उसके रिजल्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड ना, तो वो पीएसएक्स रिजल्ट्स की प्लेलिस्ट पे उसकी जो है वो लेटेस्ट जो भी रिजल्ट्स होंगे वो वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। कंपनी की जो राइट इश्यूज की जो अपडेट्स होंगी वो इस प्लेलिस्ट में होंगी, राइट इशू अपडेट यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ये स्टॉक मार्केट लर्निंग वाली प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है समझने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो डेली अपडेटेड यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।